दिल्ली के लाडो सराय फिरनी रोड पर एक लड़के ने लड़की के ताबड़तोड़ कई चाकू से वार किया, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल मैं इस वक्त उसी घटना स्थल पर मौजूद हूं। आज सुबह लगभग 6:30 बजे PCR कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि एक लड़के ने कैब में बैठी लड़की के ताबड़तोड़ कई चाकुओं से वार किए, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि जो आरोपी है वो भी मौके पर पकड़ा गया और लड़की जो घायल अवस्था में थी उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने लड़के से पूछताछ में बताया कि लड़का लड़की दोनों जान पहचान के थे। लड़का लड़की पिछले 2 से 2.5 साल रिलेशनशिप में रहे हैं। चूंकि लड़की इस वक्त उस लड़के को, यानी कि जो गौरव है, गौरव पाल, उसको इग्नोर कर रही थी, उसको नज़रअंदाज कर रही थी, इसी से नाराज़ होकर उसने आज सुबह जब लड़की अपने घर से कैब करके कहीं जाने के लिए निकली थी, तभी कैब में ही उसने बातचीत करी। बातचीत करते करते झगड़े में बदला और लड़के ने अपने पास रखे चाकू से लड़की के कई घाव कर दिए, जिससे लड़की लहूलुहान हो गई और वहां मौजूद लोगों ने लड़के को, यानी कि गौरव पाल को, पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल लड़के के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़की का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लड़की की हालत अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और आरोपी गौरव पाल को पुलिस ने धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंशुमन यादव, TV9।